दोस्तों, हम इंट्रोवर्ट्स की लाइफ भी इस एक्सट्रोवर्टेड दुनिया में कितनी चैलेंजिंग है ना। हम जिन लोगों को इतना चाहते हैं उन्हीं से अपनी दिल की बात नहीं कह पाते। दूसरों को अक्सर ग्रुप में मस्ती मजाक करते हुए या दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए देखना हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन जब हम अपनी लाइफ में झांकते हैं और अपनी तुलना बाकियों से करते हैं तो ना चाहते हुए भी दिमाग में यही ख्याल आता है कि यार, ऊपर वाले ने मुझे इंट्रोवर्ट क्यों बना दिया, काश मैं एक्सट्रोवर्ट होता। मैं भी नए नए दोस्त बनाता और लोगों के साथ जिंदगी को भरपूर इंजॉय करता। दोस्तों, अगर ऐसे थॉट्स अक्सर आपको परेशान करते रहते हैं और आपको लगता है कि आप इस इंट्रोवर्टेड लाइफ से हैप्पी नहीं है, तो ये वीडियो आपकी लाइफ को बदलने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे साइकोलॉजिकल रूल्स जिसे फॉलो करने के बाद आप यही कहेंगे, थैंक गॉड मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। सो फीलर्स, बी रेडी टू फील द फैक्ट। नंबर 1, डोंट थिंक यू आर अ परमानेंट लोनर। दोस्तों, आप एक इंट्रोवर्ट हो ना, तो फिर काहे खुद को एक वैरागी बनाने पे तुले हुए हो। इंट्रोवर्ट का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर आपकी एनर्जी खर्च हो चुकी है तो कुछ देर अकेले में रहकर रिचार्ज कर लेना, यानी कि आपको अकेले रहना पसंद है। लेकिन इसका मतलब ये कत्ता ही नहीं है कि आपको लोगों से नफरत है और आप दिन भर अकेले रहें। हाँ, ये बात तो सच है कि इंट्रोवर्ट्स में लोगों से मिलने जुलने को लेकर मोटिवेशन की कमी होती है, लेकिन इसका मतलब ये कत्ता ही नहीं है कि आपको लोगों से मिलने की कोई जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट, कई स्टडी ने ये साबित भी कर दिया है कि जो लोग दूसरों के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाते हैं, एक्चुअल में वही लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश रह पाते हैं। इसलिए अगर आपको लोगों से मिलने में डर लगता है या आप बहुत घबराते हैं, तो ये कंफर्म करिए कि कहीं आपको सोशल एंजाइटी तो नहीं है। इसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, और फिर अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह से ठीक हैं, तो कुछ देर घर से बाहर निकलिए, गिनती के कुछ दोस्त बनाइए और उनके साथ एक ऐसी हैप्पी मेमोरी क्रिएट करिए जिसे याद करते ही आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाए। याद रखिए दोस्तों, आप एक परमानेंट लोनर नहीं हैं, आप बस एक इंट्रोवर्ट हैं जिसे कुछ देर एकांत चाहिए खुद को रिचार्ज करने के लिए, बाकी तो आप लोगों से जुड़ने में पूरी तरह से सक्षम हैं। नंबर 2, फाइंड योर डीप इंटरेस्ट। दोस्तों, आपकी तरह मैं भी एक इंट्रोवर्ट हूँ, इसलिए अपने टीन एज में मुझे लोगों से मिलना बड़ा अजीब लगता था और एक्सट्रोवर्ट्स को देखकर मैं हमेशा खुद पे डाउट करने लग जाता। जिंदगी तो ऐसे ही चल रही थी, तभी एक दिन स्कूल में राइटिंग और डिबेट का कंपटीशन हुआ जिसमें मैं भी डरते डरते पार्टिसिपेट कर लिया, और रिजल्ट आने पर पता चला कि भैया, दोनों कॉम्पिटिशन में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। उस दिन मुझे समझ आया कि हम इंट्रोवर्ट बेवजह ही खुद पे लूजर होने का टैग लगा देते हैं, जबकि असली विनर तो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। इसके कुछ सालों बाद मैंने साइकोलॉजी में भी अपना डीप इंटरेस्ट देखा और नतीजे के रूप में ये चैनल आज आपके सामने है, जो पूरी तरह से इंट्रोवर्ट्स के लिए डेडिकेटेड है। इसलिए दोस्तों, अगर आप वाकई में खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपना डीप इंटरेस्ट ढूंढना ही होगा। याद रखिए, आप भले ही दूसरों से डायरेक्ट ना जुड़ पाएं, लेकिन ऊपर वाले ने आपको कोई ऐसा क्रिएटिव टैलेंट जरूर दिया होगा जिसके थ्रू आप अपनी राय दूसरों से शेयर कर सकते हैं। फिर चाहे वो राइटिंग हो, आर्ट हो, म्यूजिक हो या कुछ भी हो, सब अपनी जगह पे बेस्ट है, बस कंडीशन ये है कि वो काम आपको अंदर से खुशी देता हो। नंबर 3, कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। दोस्तों, एक इंट्रोवर्ट के लिए उसका मेंटल पीस और इंडिपेंडेंस बहुत मायने रखता है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो अक्सर आपकी शांति भंग कर देता है और आपको ये फील कराने की कोशिश करता है कि आप में बहुत कमियां है, तो ऐसे लोगों से जितना दूरी आप बना सकते हैं जरूर बनाइए। वैसे दोस्तों, टॉक्सिक लोग भी कई तरह के होते हैं, जिसे मैंने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 4, लर्न टू से नो। दोस्तों, मैंने अक्सर ये नोटिस किया है कि इंट्रोवर्ट्स कुछ ज्यादा ही सीधे साधे होते हैं। ये दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं, इसलिए जल्दी ये किसी को ना नहीं कह पाते, और इनकी इस कमजोरी का फायदा कुछ लोग बाखूबी उठाने लग जाते हैं। वे लोग जानते हैं कि हम लोग जल्दबाजी में कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इसलिए अगर वे हमें प्रेशराइज करेंगे तो संभावना है कि हम हाँ कर दें। दोस्तों, आप ना आज से एक नियम बना लीजिए कि अगर कोई आप पर दबाव डालने की किसी भी तरह की कोशिश करे तो आपको तुरंत उसे हाँ या ना नहीं कहना है। आप उससे बोल दीजिए कि देखो भाई, मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा, मैं तुम्हें कुछ देर में रिप्लाई करता हूँ। अब आप इस टाइम को भरपूर इस्तेमाल करिए और अच्छे से सोचिए समझिए, और अगर आपका दिल उसे ना कहने को कहे तो बेझिझक ना कह दीजिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति बुरा मान जाएगा तो अपने ना के लिए एक प्रॉपर वजह भी जरूर बताइए, और अगर फिर भी वो व्यक्ति आपको मजबूर करता है तो उसे बोलिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
नंबर 5, डोंट प्ले द गेम ऑफ स्टेइंग बिजी। दोस्तों कुछ इंट्रोवर्ट सोचते हैं कि यार मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए अगर मैं दिन भर खुद को बिजी रखता हूँ किसी न किसी काम में तो ना मैं अकेलापन महसूस करूंगा और ना मुझे दूसरों से बात करने की जरूरत पड़ेगी। कुछ इंट्रोवर्ट्स में तो 100% प्रोडक्टिव होने का भूत सवार होता है। दोस्तों एक बात याद रखिए कि इस धरती पर आपका जन्म 24 घंटे बिजी रहने के लिए नहीं हुआ है, इसलिए अगर आप जानबूझकर खुद को बहुत बिजी रखते हैं तो खुद को सुधार लीजिए, और अगर आपको मजबूरन बिजी रहना पड़ता है तो अपने हालात को बदलने की कोशिश करिए। कुछ टाइम निकालिए खुद को रिलैक्स करने के लिए, अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से डीपली कनेक्ट होने के लिए, और सबसे जरूरी बात खुद को खुश रखने के लिए। नंबर 6, लर्न टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। दोस्तों इंट्रोवर्ट्स की सबसे अजीब और गंदी आदत ये है कि ये दूसरों के प्रति अपने दिल में बहुत ज्यादा फीलिंग का तूफान तो रखते हैं, लेकिन जब अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की बारी आती है तो इनके जुबान में एक सूखा पड़ जाता है। इनफैक्ट ये अपने इमोशन और फीलिंग को अक्सर दबाते रहते हैं, जो कि बहुत ही निगेटिव और डिस्ट्रक्टिव हैबिट है। ये कहीं ना कहीं आपके मेंटल और इमोशनल हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए अगर आप वाकई में किसी से प्यार करते हैं या किसी के लिए आपके दिल में फीलिंग्स हैं, तो ज्यादा सोचिए मत, अपने दिल की बात कह दीजिए। आप अपने इमोशंस को अपने हिसाब से मैनेज और एक्सप्रेस करना सीखिए। याद रखिए ये जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, और एक हैप्पी लाइफ के लिए आपको अपने इमोशंस के बोझ से किसी भी कीमत पर मुक्त होना ही होगा। अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे आप अपने दर्द बांट सके, तो आज से ही जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। एक डायरी बनाइए और अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को इसमें लिखने लग जाइए। नंबर 7, रीड अ लिटिल एवरी डे। दोस्तों पहले मैं अपनी स्कूल की किताबों से हटकर कोई भी और चीज नहीं पढ़ता था, फिर मैंने एक दिन भगवद गीता पढ़ी और पढ़कर दिमाग में एक ही विचार आया कि यार इसे मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा, मेरे तो बहुत से डाउट आज क्लियर हो गए हैं। अगर ये बुक मेरी इतनी डाउट क्लियर कर सकती है तो ना जाने अभी कितने बुक्स हैं दुनिया में, और अगर मैं उन्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा भी पढ़ूं तो मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। दोस्तों इंट्रोवर्ट्स के दिमाग में वैसे भी जिंदगी से जुड़े कई तरह के अजीबोगरीब सवाल चल रहे होते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पर डे आप कोई ना कोई बुक का भले ही 4 पेज पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। आप साइकोलॉजी, फिलोसफी या कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हैं, ये आपको पॉजिटिव और हैप्पी रखने में बहुत हेल्प करेंगे। नंबर 8, नॉट एवरीथिंग इज अबाउट यू। दोस्तों पहले मैं कुछ ज्यादा ही सेल्फ कॉन्शियस था। मैं जब भी घर से बाहर निकलता तो ये नोटिस करता कि कौन मुझे देख रहा है, अगर कोई देख रहा है तो वह मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, कहीं लोग मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहे होंगे ना, और ये सब सोच कर मैं खुद पे कुछ ज्यादा ही फोकस हो जाता। अपने टीन एज में तो मैं छोटी छोटी बातों को लेकर ओवर थिंकिंग करने लग जाता था, जैसे कि जो टॉपिक मैं अभी नहीं पढ़ रहा वो गलती से एग्जाम में आ गया तो मैं क्या करूंगा, और बार बार ये थॉट दिमाग में चलने लग जाता जिससे मजबूरन फालतू के टॉपिक भी मुझे पढ़ना पड़ता। लेकिन शुक्र है कि अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे साथ जो हो रहा है वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा, और ना ही कोई इतना फालतू है कि बैठकर मुझे वो ऑब्जर्व करे। इसके साथ प्रॉपर माइंडफुल मेडिटेशन और लोगों के लिए पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस ने मुझे काफी हद तक बदल दिया है। आप जब भी लोगों का सामना करिए तो ये सोचिए कि ये लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, ये आपकी भलाई चाहते हैं। ऐसे थॉट्स आपको लोगों के सामने पॉजिटिव रखने में बहुत हेल्प करेंगे। नंबर 9, लर्न टू स्माइल। दोस्तों एक बार थोड़ा मुस्कुरा के देखिए अभी। तो कैसा लगा आपको? जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छा लगा होगा, और रियलिटी भी यही है दोस्तों कि स्माइल आपको और आपको देखने वाले को काफी पॉजिटिव फीलिंग देता है। मैं कई इंट्रोवर्ट्स को देखता हूँ कि वो इतना सैड फेस लेकर घूम रहे होते हैं कि जैसे दुनिया की सारी तकलीफें उन्हीं के हिस्से में आ गई हो। माना कि आपको किसी से बात करने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन चेहरे पे एक स्माइल रखने से क्या ही जाता है। इनफैक्ट आपकी स्माइल में इतनी ताकत है कि ये दूसरों की नजरों में आपको एक पॉजिटिव और अट्रैक्टिव इंसान बना सकता है। और स्माइल के साथ साथ अगर आप हेलो बोलना भी सीख गए तो फिर हो गया काम, आप बन गए एक्स्ट्रोवर्ट। मतलब बाहर से, अंदर से तो आप रियल इंट्रोवर्ट ही हो ना।